मम्मी पापा से पूछकर उसे रोते हुए आए थे। इस बात से अंजाम कि वहाँ भी कोई होगा जो उसी तरह प्यार से हमारा हाथ थामेगा और हमें आगर और हमें संभालेगा। गीली मिट्टी से थे हम, गीली मिट्टी से थे हम, हमें आकार हमारे टीचर्स ने दिया है और जिस दोस्ती के नाम पर हमारा इतना कुदरते हैं वो भी तो उन्होंने ही करवाई। हम अपने सभी फ्रेंड्स को कह रहे होंगे आई विल मिस यू, पर यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हम बेइंतहा मिस करेंगे। पर या तो ये बताने के लिए हमारे पास लफ्ज नहीं है या फिर हिम्मत, वो हमारे टीचर्स हैं। वो मे आई कम इन से लेकर वाई आर यू सो लेट तक सब याद है। लगता है ये कल की बात है जब हम अपने सीनियर्स को फेयरवेल दे रहे थे, उनके लिए गाने चुन रहे थे। पता नहीं वक्त में कौन सी रफ्तार पकड़ी और हमारा दिल गया। शायद इसलिए कहते हैं वो फेयरवेल वाली मीटिंग द वन वी कांट एक्सक्यूज। हर रोज मॉर्निंग में टीचर को गुड मॉर्निंग का एक लंबा सा गीत गाकर सुनाते हैं। कभी चौक डस्टर वाला क्रिकेट तो कभी वो क्रिकेट थे। फिर चौक के छोटे छोटे टुकड़े कर एक दूसरे पर थे। वो पेंसिल से पेन में कन्वर्ट होने वाली थी वो हाउस क्लच। वो छोटी सी लड़ाई में हमारे क्लास के बॉयज का तुम स्कूल के बाहर में ये कहकर एक दूसरे को हटाना। वो स्कूल के प्रोजेक्ट्स तो कंप्यूटर लैब की बात है। कोई एक पानी पीने जाता तो सबको उसको अपनी बॉटलें पकड़ा। वो दोस्तों के साथ स्कूल आना जाना, कभी घर लेट पहुंचने पर माँ की डांटना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को बिठाना। वो अपनी एक कोर लैंग्वेज बनाकर एक दूसरे को इशारों में आंसर्स बताना। वो टीचर से गेम पीरियड के लिए पूछने के लिए अपने दोस्त को जहाना, तू जा इसे बात कर मैं हूँ यहाँ, ये कहकर उसकी हिम्मत बढ़ा और अगले पर वहां से भाग कर वो आंटी जी को स्टोर रूम में जाकर परेशान कर और उनकी प्यारी सी डांट लगा। बर्थडे पर सबको एक एक और अपने बेस्ट फ्रेंड को दो चॉकलेट। वो कागज के नहाज तो प्ले ग्राउंड में भुला खाते। वो कभी ग्रुप फोटो में अपने दोस्त को गुदगुदा के हंसाते। वो 15 अगस्त के लड्डू, वो टीचर्स का गुस्सा छेड़ना, वो टीचर्स के बोरिंग से लेक्चर छेड़ना। तो एग्जाम से एक दिन पहले की पढ़ाई वो स्कूल के बाहर की लड़ाई। वो एग्जाम में बढ़ती हुई हार्ट बीट, वो हमारे क्लास के दो टॉपर्स की एक्स्ट्रा सीट, वो भारी सी मैथ की किताब को स्कूल लेकर जाना और जिसने ना ले जा पाया उसने विजय सर की डांट खाना। उषा मैम से बोरिंग से हिस्ट्री का मजे से पढ़ना और उन्हीं के पीरियड में सर नीचे कर कर सोना। वो ब्रदर के मोरल साइंस का बहाना और उनका बीच बीच में सुनकर क्वेश्चंस का पूछना। वो शालू मैम का डांस सीखना, वो संजीव सर का खुद से कंप्यूटर बहाना और पढ़ाई के साथ साथ हमें सबसे ज्यादा बचाना। वो संगीता मैम का क्लासिकल डांस सिखाना, वो ममता मैम से हिंदी का पढ़ना, वो LKG UKG की टीचर्स की तरफ देखकर असेंबली में मुस्कुराना, वो हमारे प्यारे से जूनियर्स को जूनियर्स पे रॉक जमाना और उन्हें लंच टाइम में अपनी क्लास में डाल के बनाना। वो इंसान नहीं फरिश्ता होता है जिसका दिल हमारे प्यारे कृष्णा मैम जैसा होता है। कितने गेम्स खेलते थे हम क्लास में बैठे बैठे, ट्रू डेयर बॉलीवुड और हाँ एक और भी था चिड़िया। क्लास के बीच में टीचर्स जब बुला लेती थी बोर्ड पे, बोर्ड कब जाती थी बॉडी हो जाते थे बेहोश। कहाँ तक मिलते जब पता चलना बोर्ड पर साफ करना है और हाँ इन क्लास मॉनिटर्स का आज भी हिसाब करना है। कल सुबह हम यहाँ नहीं होंगे, कभी फैमिली थे अब विजिटर्स बने थे। ग्रुप फोटो वो आखिरी थी जिसमें आखिरी बार हम साथ दिखे थे। वो नाम टीचर को कभी पता नहीं चलेंगे जो हम उन्हें प्यार से लेते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं हम फेयरवेल के दिन यहाँ पे सब बन ढक के आए हैं और बस हम आपसे यही है कहना अपनी जिंदगी में मुस्कुराते रहना और हमें कभी भूल ना जाना।